गाइस गुड इवनिंग। सो आज हो गई है शाम, मतलब मैं शाम से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैं नहा धो के रेडी हुई हूँ, बिकॉज आज थोड़ा साफ़ सफाई का काम कर रही थी मैं, तो मैंने सोचा कि वो कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगी शाम में थोड़ा फ्रेश होके। सो हो गई हूँ मैं रेडी नहा धो के, और बच्चे यहाँ टीवी देख रहे हैं। ओ चिकू, क्या हो रहा है चिकू? टीवी कौन देखता है चिकू? हाँ, घूमू घूमू जाना है, घूमू घूमू जाना है, चलो। क्या हुआ? चिकू, सो फाइनली डिनर हो गया सबका एंड किचन भी क्लीन कर लिया, सारे वेजल्स को धो लिया है मैंने, किचन इज डन। पानी लेके जा रही हूँ मैं रूम पे अब सोने के लिए, टाइम इज 10 o'clock एंड इट्स बेड टाइम। तो अब हम लोग बेड पे जाएंगे, थोड़ा स्टोरी टाइम होगा एंड सो अब बच्चों को आ रही है नींद एंड इट्स देयर स्लीपिंग टाइम। गुड नाइट बोलो डुगु। गुड नाइट डुगु। से ब्रश ब्रच, और से मास्क ब्रच, मास्क मच बोलो दीदी, बोलो दीदी डुगु। वेरी गुड पापा, बोलो पापा पापा का। वेरी गुड मम्मी, बोलो मम्मी डुगु, मम्मी 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 बोलो मम्मी मम्मी। Dugu is a good boy now. बहुत सारे वर्ड सीख गया है वो बोलने के लिए, एंड ही कैन इवन से पूरा सेंटेंस। वैसे काफी नींद आ रही है तो सोचो अभी सोते हैं, अभी के लिए बाय, सुबह मिलते हैं आप सबसे। बाय 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 बाय। मॉर्निंग गाइस, आज है नेक्स्ट डे और अभी ब्रेकफास्ट एंड ऑल हो चुका है हमारा, और डुगु इज काइंड ऑफ स्लीपी टुडे, मतलब रात में वो ठीक से ही सोया, बट आई डोंट नो आज शायद उसको तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या, तो वो काफ़ी जल्दी सो गया आज, तो मैंने उसको अभी सुला दिया है। अब जो थोड़े बहुत काम बचते हैं ब्रेकफास्ट के बाद, पहले वो करूँगी, क्लियर अप करूँगी मैं अपने किचन को। उससे पहले आई हैव अ वीडियो एडिटिंग, एडिट करके रख दिया मैंने, तो उसमें मुझे वॉइस ओवर डालना है, वो करना है पहले, और उसको मैं पोस्ट कर दूँगी, अपलोड कर दूँगी। उसके बाद आई विल क्लियर अप द किचन, उसके बाद आई स्टार्ट कुकिंग, लंच हो जाए, लंच बन जाएगा, उसके बाद मी एंड चिकू वी आर गोना स्पेंड सम टाइम। क्या करिए चिकू, यू आर वॉचिंग टीवी? This baby really needs to go to school. Like next year, she has to go to school. Is sleeping? Chiku, mom pina beta? Mom? Okay, mom nahi pina hai. ठीक है, if you need mom, batana mama ko, okay? So, चलो मैं पहले ये सब पेंडिंग काम अपना ख़त्म करती हूँ, फिर मैं फ़ोन उठाऊँगी, क्योंकि मेरा जो वीडियोस मैं बनाती हूँ वो फ़ोन से बनाती हूँ, फ़ोन से एडिट करती हूँ, अपलोड करती हूँ। सो मुझे थोड़ी देर के लिए फ़ोन को बंद करना पड़ेगा, और बंद इन द सेंस कि कैमरा बंद करना होगा, और उसके बाद चिकू नीड्स मम नाउ। सो चलो मैं आप सबसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। कैसे हुआ सुलाए थे ना तुमको डुगु, ये कैसे हो गया यार, मतलब इतने जल्दी कैसे उठ सकते हो तुम? इट्स जस्ट बीन 15 minutes। ओके ओके, चलो मम्मा इज गोना हेल्प यू स्लीप अगेन। ओके चलो, कम लेट्स स्लीप। सो अभी मैं ले रही हूँ अपना मिड मॉर्निंग स्नैक, जो कि एक फ्रूट होना चाहिए, बट
वी आर रनिंग आउट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नाउ बिकॉज वीकेंड आने वाला है एंड लास्ट वीक ग्रॉसरी आई मीन फ्रूट्स वेजिटेबल की शॉपिंग हो नहीं पाई थी, तो इस वीक में जो था पिछले वीक का उससे काम चल रहा था. नाउ रन हैज गॉन टू गेट सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो लाइक वीकेंड में हो जाता है यूजली, बट आज लंच में कुछ बनाना था इसलिए. While Chiku is also having her Oreo biscuit as mid-morning and I am having this roasted chana. Roasted chana? Yes. So, आ गई हूँ मैं किचन में और इधर राइस चढ़ा दिया है मैंने और आज मैं बनाऊंगी गट्टे की सब्जी, बट ये हमारे स्टाइल में बनाएंगे. तो हम लोग बेसिकली इसको बेसनी बोलते हैं, तो उस स्टाइल में बनाऊंगी मैं, इसमें कर्ड वगैरह यूज नहीं कर रही हूँ. तो सबसे पहले मैंने उसके लिए गार्लिक और ग्रीन चिली को ऐसे पेस्ट बना लिया है इसमें और अब मैं मिक्स करती हूँ. तो चलिए मैं आप सबको भी तो सबसे पहले एक कटोरा लिया है मैंने, इसमें मैं डालूँगी बेसन. तो बेसन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जितना क्वांटिटी आपको चाहिए. तो उसमें मैंने डाल दिया है बेसन, तो मैं लगभग इतना बेसन यूज़ करूँगी. आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो मुझे थोड़ा कम कर लेना चाहिए. मैं डालूँगी इसमें ये कटे हुए प्याज, बहुत छोटा छोटा बारीक काट लिया है मैंने. और इसमें डालूँगी अब मैं ये लहसुन और मिर्ची का पेस्ट जो मैंने, आप चाहे तो इसको मिक्सर ग्राइंडर में भी कर. ये गरम मस्टर्ड ऑयल है वो डालूँगी मैं. हल्दी डालेंगे थोड़ा सा करके, पहले एक बार मिक्स कर ले अच्छे से. अब इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी देते जाएंगे और इसे मिलाते जाएंगे. सबको इसमें पानी में डाल दिया है, अब 10 से 15 मिनट तक मैं इसमें छोड़ दूंगी. पानी पहले से उबलने के लिए दे दिया था मैंने, तो जैसे ही उबाल आ जाएगा हमारे पानी में ये बेसन हम लोग डाल देंगे इसमें और इसमें 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे. देखिए ये यहाँ बॉईल हो गया, अब इसको मैं निकाल लूँगी. अब मैं इसको कर लूँगी कट. ये जो कढ़ाई है वो गर्म हो गया है, इसमें मैं डालूँगी ऑयल. तेल जो है वो गर्म हो गया है, तो अब ये बेसन मैं इसमें डाल दूँगी और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता, जब तक ये थोड़ा रेडिश नहीं हो जाता. तो तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसको हम लोग भून लेंगे. फ्राई हो जाता है तब तक मैं यहाँ मसाले पीस लूँगी. उसके लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिया है लाल मिर्च, वो डाल देंगे. उसके बाद थोड़ा सा हम लोग डालेंगे ये सिनेमन स्टिक. उसके बाद मैं डालूँगी इसमें लहसुन जो कि मैंने छील के रखा है, तो लहसुन डाल दूँगी. थैंक यू डुगली. उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ अदरक. उसके बाद मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा. उसके बाद मैं डालूंगी काली मिर्च. थोड़ा सा धनिया डालेंगे हम लोग. सो मैंने देखा कि मेरे पास तो धनिया है ही नहीं, इसलिए मैं इसकी पाउडर डाल देती हूँ, थोड़ा सा डालूंगी मैं. तो यहाँ थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे हम लोग एंड दैट्स इट. इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक थिन पेस्ट बना लेंगे. सो ये देखिए बहुत ही थिन पेस्ट बना लिया है मैंने एंड डुगु मेरे ट्राईपॉड को हिला रहा है. सो ये सारा मैं यूज़ नहीं करूँगी, मैं इसमें निकाल के रख दूँगी. मैं इसी से एक दो चम्मच ऐसे कर करके यूज़ करूँगी. सो ये थ्रू आउट द वीक चलते रहेगा मेरा. तो मैं इसको पहले इसमें ट्रांसफर कर दूँगी. देखिए ये फ्राई हो गया अच्छे से, अब इसको मैं निकाल लूँगी. लिया मैंने, अब मैं ये सेम कढ़ाई में तेल डाल दूँगी. तेल गर्म हो गया है, मैं ये तेज पत्ते डाल दूँगी.
उसके बाद मैं प्याज डाल दूंगी। प्याज जो है अच्छे से भुन गया है हमारा, उसके बाद मैं इसमें मसाले डाल दूंगी। तो मैं यहाँ डालूंगी अब मसाले जो मैंने पीसे थे, 2 से 3 चम्मच डाल देंगे हम लोग। उसके बाद मैं डालूंगी टमाटर, उसके बाद मैं डालूंगी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक। याद रखिए कि बेसन में भी हमने नमक डाला था, इसलिए कम ही डालेंगे इसमें। और इन सबको मिला देंगे हम लोग, और मसाले को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये टमाटर भी नहीं गल जाता और हमारा मसाला भी अच्छे से पक नहीं जाता। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखिए जितना आपको चाहिए। अब ये जो बेसनी है मैं इसमें डाल दूंगी और इन दोनों को एक साथ हम लोग 2 मिनट तक ढक के पका लेंगे। My baby, baby, baby. My baby is in pink color today. So finally, I was shooting a video Instagram reel for Chiku and Dig. Tiger का बात है ये. So guys, अब मैं बनाऊंगी 1 कप चाय. एक कप चाय बनाएंगे और मैं और चिकू पिएंगे चाय. चिकू पिएगी अपना चाय, मम्मा पिएगी अपना चाय, है ना? Yes. आओ आओ गिर जाओगी, चलो लेट्स गो मेक सम चाय। जो दिन में कट्टे की सब्जी बनाई थी, दैट वाज सो टेस्टी, बेसनी वाज वेरी वेरी टेस्टी। तो वो रेसिपी आप सब जरूर ट्राई कर सकते हैं। चलो आज वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं गाइस, क्योंकि काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। एंड एज यू कैन सी माय किड्स आर इन फुल ऑन मस्ती नाउ। चलो फिर आप सबसे मिलते हैं दूसरे व्लॉग में।